करीब 134 ग्राहकों को हिरासत में लिया गया। पुलिस की नाक के नीचे चल रहा था नशा। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने संकेत दिए कि वे नवंबर में क्रिकेट को अलविदा कह सकते हैं, हालांकि इस खबर की खुद तेंदुलकर ने पुष्टि नहीं की। लेफ्टिनेंट जनरल KS बराड़ पर लंदन में हुए हमले के सिलसिले में मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने 40 साल की एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बराड़ ने 28 साल पहले अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में खालिस्तानी उग्रवादियों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार का नेतृत्व किया था। गुजरात में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने नरेंद्र मोदी पर चुटकी ली और उन्हें एक जादूगर बताया। इसी दौरे के बीच राहुल ने FDI का पुरजोर समर्थन किया। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि FDI के आने के बाद बिचौलियों से छुटकारा मिलने में मदद मिली। एविएशन मिनिस्टर अजीत सिंह ने किंगफिशर एयरलाइन को हिदायत दी है वो DGCA की गाइडलाइंस का पालन करे। किंगफिशर की उड़ानों की इजाजत तभी दी जाएगी जब DGCA सारे मामले से अपनी संतुष्टि जताएगा। बम्बई शेयर बाजार के 5वें सेशन में भी तेजी जारी रही और शुरुआती कारोबार में ये 15 महीने की नई ऊंचाई को छू गया। सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 27.96 अंक मजबूती के साथ 19,086.11 अंक पर खुला। बीते 4 सेशन में इसमें 488 से अधिक अंक की तेजी दर्ज की गई। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के बीच हुई बहस में बराक ओबामा ने अपने राइवल मिच रोमनी पर पलटवार करते हुए कहा मिच रोमनी अपनी असली शख्सियत में नहीं थे और उन्होंने बहस में प्रिंसिपल्स और बिलीव्स को डिमोलिश कर दिया। लगातार बढ़ रही सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के यूजर्स की संख्या 1 अरब से अधिक हो गई। वेबसाइट की स्थापना 2004 में हुई थी और अब यूजर्स का दायरा बढ़ाने के लिए फेसबुक उभरते बाजारों की ओर रुख कर रहा है। T20 विश्व कप के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को श्रीलंका ने 16 रनों से हराया। श्रीलंका की ओर से असंता मेडीन्स और एंजेलो मैथ्यूज ने सफलता हासिल कर अपनी टीम को फाइनल तक पहुँचाया।